नमस्कार दोस्तों, एमएमएस न्यूज 24 में मैं फरीद खान आपका स्वागत करता हूं। महाराष्ट्र के इलेक्शन चुनाव चल रहे हैं और हमारे साथ मौजूद है एक तेज तर्रार नेता जो देश के लगभग हर टीवी चैनल्स पर आती है, उद्धव वाला साहब ठाकरे की प्रवक्ता है, राज्यसभा से सांसद है। महाराष्ट्र का जो चुनाव है लोकसभा का और उसके बाद विधानसभा की तैयारियां दिख रही है। प्रियंका जी, जो कटेंगे और बटेंगे कब से हुआ उसको लेकर भी आपने काफी ऊर्जावान यहाँ पर भाषण किया। आप एक देश का नेतृत्व करते हैं, जो बात चाहे यूपी के कहने राहुल गांधी कोई भी पूरा देश देखते हैं, पर ये देखना जरूरी है कि कौन सा ऐसा नेता है जो भारत को जोड़ने की बात कर रहा है। वो राहुल गांधी जी हैं, उद्धव बाला साहेब ठाकरे जी हैं और वो शरद पवार जी हैं। और ये लोग जो बांटने काटने की राजनीति करते हैं, वो सिर्फ लोगों को बांटते हैं, जनता की हितों को काटते हैं और जनता के पैसों को लूटते हैं और अपनी मजाक बनवाते हैं और अपनी सत्ता में रहने का काम करते हैं। ये इनकी सच्चाई है। अच्छा, लाड़की जो बहना योजना है मध्य प्रदेश में, उसके वजह से काफी उलट फेर हुआ, कहीं ना कहीं कमलनाथ जी का फिर बनने का चांस लग रहा था, लेकिन ये योजना है, इस योजना में कहीं ना कहीं नहीं। मैंने आपको स्पष्ट तरीके से बताया, मिलना महिलाओं को 3,000 रुपए चाहिए था, पर उसमें भी कमीशन खोरी हुई है। 1,500 रुपए महिला को दिया है, 1,500 रुपए अपनी जेब में रखा है। आप अगर सारे MLAs के एसेट्स देखेंगे ना, जो हमने पैसा कमाया है, 100% से 700% इजाफा हुआ है। क्या ये आम जनता सपना भी देख सकती है कि 5 साल में हमारे इतनी वृद्धि हो जाए? तो ये लोगों ने जो जनता की मेहनत का पैसा इन्होंने अपने जेबों में भरा है, उन सबके पैसे निकाल निकाल कर हम अपनी महिलाओं को न्याय देंगे। तो जो 3,000 उनको पहले मिलने चाहिए थे, जो उन्होंने लोकसभा के बाद 1,500 किया हारने के बाद, वो 3,000 उनको मिलेगा और हम उनका अधिकार देंगे। ये लोग लूटने वाले, कमीशन खोरी वाले, इनका जो धंधा चल रहा है ना, वो खत्म करेंगे। अच्छा, आप जगह जगह बिल्कुल जा रहे हैं, देख रहे हैं, क्या आप जमीनी तौर पर क्या देखा? जमीनी तौर पर ये देखा कि जनता का प्रतिसाद हमें मिल रहा है, जनता का प्रेम हमें मिल रहा है, जनता का विश्वास हमारे साथ है। लोकसभा में जो उन्होंने हमें भारी बहुमत से हमें लोकसभा में विजयी बनाया है, इसी को विधानसभा में हम देखेंगे और मुझे कोई शंका नहीं होगी अगर हम 200 का आंकड़ा भी पास करेंगे। ये थी हमारे साथ प्रियंका चतुर्वेदी जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस बार सरकार महाराष्ट्र में। नमस्कार।